सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी बुढ़िया थी, बुढ़िया के घर में कोई बच्चे की शादी कर दी, कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हो तो वो संत के पास गई, बाबा मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, मैं भी पोते का मुख देख लेती। तो संत ने कहा, बाबरी इतनी सी बात, एक काम करना, आपके नगर में जो भागवत कथा हो, ये श्याम कथा हो ना, तो एक फल भागवत जी पर श्याम कथा पर चढ़ा देना। ये मैंने बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं, मैं आपको बहुत ऐसे लोगों का नाम गिना सकता हूं जो होता है। उस बुढ़िया ने क्या किया, कुछ समय के बाद कथा लग गई, बुढ़िया अपनी बहू को लेकर आई और कथा पे फल चढ़ा दिया। अब यहां तक तो ठीक है, गरीब बन रहे हो ना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहां हो गई। उसने फल चढ़ा दिया, उनके घर में पोता भी हो गया। बुढ़िया खुश हो गई, मेरे घर में पोता हो गया। पोता को देखो खुश हो गई बुढ़िया। अब क्या, पोता हर समय बीमार रहता, पल पल बीमार रहता, पोता इतना बीमार रहता। तो एक दिन के बाद बुढ़िया संत के पास गई, बाबा आपके आशीर्वाद से मेरे पोता तो हो गया, ये बच्चा तो हो गया, लेकिन बहुत बीमार रहता है, सारे दिन डॉक्टर का चक्कर रहता है। संत ने कह दिया, बाबरी अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों बाबा, अगर तुम फल के द्वारा बच्चा मेरे घर में या मेरे घर में आ सकता, तुम और भी कर सकते हो। कि बुढ़िया अब मैं नहीं कर सकता, तूने फल तो चढ़ा दिया, लेकिन गलावा सड़ावा फल तुमने चढ़ा दिया, और तूने जैसा फल चढ़ाया था वैसा मैंने तुझको परिणाम तेरे सामने आ गया। तूने गलावा सड़ा फल चढ़ा दिया, तेरा पुत्र बीमार रहता, तो इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी चीज भगवान को चढ़ाओ, स्वच्छ मन से चढ़ाओ, सांचो प्रेम प्रभु में हो तो। मूरत बोले काठ की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमो में बेटी जाट की। अगर सांचो प्रेम अगर आपका है, अगर प्रेम आपका आपका शुद्ध हो है, तो भगवान को सही चीज चढ़ाना है, नहीं मत चढ़ाना।